चले, हम लोग पढ़ रहे थे इसमें मेथड्स पढ़ रहे थे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, न्यूट्रिशन किस तरह से ऑब्टेन की जाती है। तो आज हमें पढ़ना है हर्बीवोरी। हर्बीवोरी एक क्वाइट कॉमन कॉन्सेप्ट है। हर्ब मीन प्लांट्स और वोरियर मतलब ईट। तो हर्बीवोरी में वो एनिमल्स आ जाते हैं या जो कि प्लांट्स को खाते हैं, इनको हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। हर्बीवोरी इज द कंजम्पशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स, द पत्ते, घास और प्लांट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं वो जो खाते हैं एनिमल्स, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। काफी कॉमन फीडिंग स्ट्रेटजी है और इसमें जो एबिलिटी चाहिए होती है वो होती है बाइट एंड च्यू, मतलब कट कर सकें और उसके बाद उसको चबा सकें, च्यू कर सकें। तो ये इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो प्लांट मटेरियल को बाइट एंड च्यू कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट लाइनेज में हम ये वाला मेथड देखते हैं, मतलब इन्वर्टिब्रेट। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था मोलस्क के अंदर रेड्यूला, और रेड्यूला का क्या काम था कि वो जो एल्जी लगी हुई होती है स्टोन्स वगैरह के ऊपर उसको स्क्रैप करते थे, तो इस तरह से वो हर्बीवोरस थे। लेकिन ये तब हमें नजर तो आती है इनवर्टिब्रेट्स में, लेकिन इसमें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट है किस चीज की है वो है हार्ड सर्फेसेस, मतलब ऐसे टीथ जो के ग्राइंडिंग सर्फेसेस होती हैं जिनकी, और वो उस प्लांट हार्ड प्लांट मटेरियल को ग्राइंड कर सकते हैं। वो उस चीज को हम एसोसिएट करते हैं हर्बीवोरी के साथ। द पावरफुल मसल्स होते हैं जो कि टीथ को मूव करते हैं और उससे जो है वो प्लांट मटेरियल को ग्राइंड किया जाता है। इनके अंदर मैक्रो हर्बीवोरी, मतलब ये मैक्रो हर्बीवोरी वही है ना जिसमें लाइक जो लार्जर प्लांट्स होते हैं उनको खाया जाता है। तो इसमें आपके पास जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। मोलस्क अभी मैंने आपको बताया, पॉलीकीट वर्म्स हैं क्या, जैसे नीरीज वगैरह पढ़ा था आपने, फिर बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स हैं और सी अर्चन्स वगैरह हैं। अभी बताया मैंने मोलस्क के पास रेड्यूला होता है विच इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, और इसको वो ये बेल्ट लाइक क्रैस्प होती है, इसके ऊपर काइटिनस टीथ होते हैं और वो इसको जो होते हैं रॉक्स उसके ऊपर से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को स्क्रैप ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। फिर इसी तरह से जो पॉलीकीट्स होते हैं उनके पास भी काइटिनस टीथ होते हैं और इवर्सिबल प्रोबोसिस होती है और फेरिंग्स होता है जिसको वो स्क्रैप ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। ये पढ़ा है आपने पीछे दोनों जब हमने चैप्टर्स पढ़े थे मोलस्क और पॉलीकीट्स के, उसमें आपने ये दोनों चीजें पढ़ी थी। और टूथ फेरिंग्स जो होता है ये कार्निवोरी के लिए भी यूज होता है जबकि प्लांट मटेरियल कम हो। कार्निवोरी होता है जिसमें फ्लैश या मीट खाते हैं। इसी तरह से ये आर्थ्रोपोड्स में भी प्रेजेंट होता है। इनके पास पावरफुल मैंडिबल्स होते हैं। मैंडिबल्स आपने देखे हैं, जैसे केकड़ा समझ लें तो केकड़े के वो जो आगे से बहुत मतलब शार्प से उसके पंजे से होते हैं जिससे वो किसी भी चीज को बहुत जोर से पकड़ लेता है, तो वो स्पेंसर्स होते हैं। और मैंडिबल्स इनके होते हैं माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ के ऊपर इनके बहुत शार्प किस्म के टीथ होते हैं उसको मैंडिबल्स कहते हैं। तो इससे ये बाइटिंग ऑफ प्लांट मटेरियल करते हैं और उसको ग्राइंडिंग एंड च्यू का काम भी करते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो है ये इनमें इनके स्ट्रक्चर्स के नाम याद होना चाहिए। मोलस्क के पास रेड्यूला होता है और जो पॉलीकीट्स हैं उनके पास ये इवर्सिबल प्रोबोसिस है या फिर इनके पास फेरिंग्स है, और इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके पास मैंडिबल्स हैं। जैसे ये इंसेक्ट्स हैं और क्रस्टेशंस हैं, इनके पास मैंडिबल्स होते हैं। क्या मैंडिबल्स जो हैं वो माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि शार्प होते हैं और टीथ की तरह के। इसके बाद दूसरा जो है वो प्रिडेशन आ जाता है। प्रिडेशन मतलब प्रिडेटर का वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, मीन्स प्लंडरर और पिलेजर। मतलब इसमें क्या होता है कि आप किसी चीज का पीछा करते हो और उसके बाद आप उनको आप चेज करते हैं उसको, और उसके बाद उसको जो है वो कैप्चर कर लेते हैं और उसको खाते हैं। क्या ये काफी सोफिस्टिकेटेड फीडिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और बहुत सारी टेक्निक रिक्वायर्ड होती है लाइफ प्रे को कैप्चर करने के लिए। सो दिस इज हाउ दे डू। इसमें जनरलाइजेशन है प्रिडेशन के लिए, वो हम नेक्स्ट पे देखते हैं क्या होते हैं। इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे कैप्चर प्रे। दे कैन बी मोटाइल स्टॉकर्स, लाइक पहले ये अपने शिकार का पीछा करते रहते हैं और फिर उनको पकड़ लेते हैं। इसी तरह से लर्किंग प्रिडेटर्स होते हैं, मतलब ये छुप के बैठे हुए होते हैं और जैसे कोई आता है तो उसको कैप्चर कर लेते हैं। फिर से साइल अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि जो बिल्कुल जब इनके पास कोई चीज आ जाती है तो ये उस वक्त उसको जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर और ग्रेजर्स होते हैं। ग्रेजर्स तो ये तो घास चरने वाले होते हैं, या फिर इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी पीछा पीछा नहीं करते बल्कि लाइक जहाँ पर कोई चीज पड़ी हुई होती है वहां पर जाते हैं और वहां से उसे खा लेते हैं। ठीक है, जैसे जो इंसेक्ट्स खाने वाले होते हैं तो जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं वो
साथ में इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं। तो इस तरह से प्रेडेशन की जो है वो चार डिफरेंट टाइप्स हैं। एमोटाइल स्टॉकर्स जो है वो एक्टिवली परस्यू करते हैं प्रे को, मतलब उसके पीछा करते हैं, जैसे सिलिएट प्रोटोजोन्स हैं, नेमरडियंस हैं, पॉलीकीट वर्म्स, स्क्विड, सी स्टार्स और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं ये पीछा करते हैं शिकार का और उसको कैप्चर कर लेते हैं। लर्किंग प्रीडेटर्स जो है वो मतलब बैठते हैं और वेट करते हैं और इस चीज का के प्रे उन तक आए और वो फिर उसको सीज कर लेते हैं। सीज होता है पकड़ लेना, दबोच लेना। और इसमें जो है प्रेइंग मैंटिस जैसे ये ये श्रिम्स और स्पाइडर्स वगैरह, ठीक है, देखा हमने स्पाइडर के बारे में पढ़ी हुई अलाम इकबाल की पोइम मकड़ा और मक्खी, कि कैसे वो जाल बनती है और फिर मक्खी जो है वो उसमें फंस जाती है और फिर उसको। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक लर्किंग प्रीडेटर्स जो के बैठ के वेट करते हैं कि शिकार फंस जाए उनका और फिर उसको खा ले। सेसाइल ओपोर्चुनिस्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं होते, मतलब बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, ये सिर्फ उस वक्त कैप्चर कर सकते हैं प्रे को जबकि वो उनके साथ कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जैसे प्रोटोजोन्स हैं, निडेरियंस वगैरह हैं। अच्छा, उसके बाद ग्रेजिंग है। ग्रेजिंग कार्निवोर्स में क्या होता है, दे मूव अबाउट द सबस्ट्रेट पिकिंग अप स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। अभी जैसे बताया जो घास चर रहे होते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उसमें उनको पिक करके खा लेते हैं। और इनकी जो डाइट होती है वो ज्यादातर से साइल और स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हैं, क्रस्टेशियंस हैं या स्नेल्स वगैरह हैं। तो ये आपके पास चार टाइप्स हैं जो कि प्रीडेटर्स की होती हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास सरफेस न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन। सरफेस न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन में आपके पास जो है वो चीज है कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एनिमल्स होते हैं दैट हैव डिस्पेंस्ड एंटायरली विद ऑल मैकेनिज्म्स ऑफ प्रे कैप्चर, इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस। बल्कि वो क्या करते हैं, उन्होंने ये सारा कुछ छोड़ दिया है। दे डोंट रिलाई ऑन इंजेस्टिंग फूड, व्हाट दे डू दे डायरेक्टली अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम अक्रॉस देयर बॉडी सर्फेसेस। तो उनकी जो बॉडी वॉल जो होती है वो इस तरह से अडेप्टेड होती है कि अपनी बॉडी सर्फेस के अक्रॉस ही न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और ये मीडियम जो है ये कोई भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट रिच सी वाटर हो सकता है, या फिर अगर जैसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि दूसरी एनिमल्स की बॉडीज में रहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं, ये वहां से एब्जॉर्ब कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे आपके पास प्रोटोजोन्स एंड काइलोमनास है जो कि एब्जॉर्ब करता है अक्रॉस द बॉडी सरफेस। इसी तरह से एंडोपेरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं, सेस्टोड वर्म्स हैं, वर्म्स याद है आपको प्लैटी हेलमेंट्स में हमने पढ़े थे, सेस्टोडिया जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं और इनके पास वो होती है सिंसिटियम होता है। इसी तरह से कुछ गैस्ट्रोपोड्स होते हैं जो एंडोपेरासाइट्स होते हैं, फिर कुछ क्रस्टेशंस होते हैं और इनके पास माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता और ये डायरेक्टली जो है वो बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं अपनी फूड को। इसी तरह से कुछ नॉन पैरासिटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, मतलब ये पैरासाइट्स नहीं होते लेकिन ये भी एब्जॉर्ब करते हैं। इनके अंदर क्या आ जाते हैं, गटलेस बाइवेल्व्स एंड पोगोनोफोरन वर्म्स। और ये सी वाटर से जो है वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी सरफेस के क्रॉस एंड दे सप्लीमेंट द न्यूट्रिएंट विद ऑर्गेनिक कार्बन दैट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फिक्स विद इन द पोगोनोफोरन टिश्यूज। तो इनके जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, तो ये जो मतलब अपनी बॉडी सर्फेस के क्रॉस जो है वहां से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दे देते हैं ये इस बैक्टीरिया को जो कि उनकी गट के अंदर रहता है और वो फिर वहां से फूड बनाता है, वो जो भी फूड बनाता है वो भी मजीद ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जी आपके पास जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वाले हैं सबसे ज्यादा फायदे में हैं क्योंकि इनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं फ्लूइड फीडर्स। फ्लूइड फीडर्स मतलब ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्लूइड पे फीड करते हैं, मतलब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का या प्लांट्स का जो है वो फ्लूइड सक करते हैं या कह लो आप ऑब्टेन करते हैं, तो इनको फ्लूइड फीडर्स कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स का जो फ्लूइड होता है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इस पर जो फीड करते हैं उस प्रोसेस को फ्लूइड फीडिंग कहते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम पैरासाइट सच एज इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स। ये बहुत सारे जो पैरासाइट्स हैं उनके अंदर भी हो सकता है, जैसे नेमाटोड्स होते हैं कुछ वॉल के साथ अटैच होते हैं बॉडी वॉल के साथ, तो वो जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसके ऊपर अपने माउस पार्ट से बाइट करेंगे और उसके ऊपर से जो है वो टिश्यूज उतारेंगे, ठीक है, या फिर वो ब्लड सक करते हैं। ये इंटेस्टाइनल या इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं। इसी तरह से एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं सच एज लीची स्टिक्स, माइट्स, लैम्प्रेज और फिर कुछ क्रस्टेशंस जो होते हैं उनके पास डिफरेंट माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि वो बॉडी फ्लूइड को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं। लीचीज पता है आपको जोंक होती है, टिक्स एंड माइट्स से भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बेड वर्म्स होते हैं, और लैम्प्रेज जो होती हैं ये मछलियों की प्रिमिटिव फिशेस की टाइप, इनके पास भी जो है वो टीथ एक प्लेट होती है मुंह के ऊपर जिसके ऊपर बहुत सारे टीथ होते हैं, तो ये भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ चिपक जाते हैं और फिर उनका ब्लड सक कर लेते हैं।
लैम्प्रे का बताया अभी, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इसमें मतलब इसकी टंग भी होती है जिसमें तकरीबन 200 रेस्पिंग टीथ होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंसेक्ट्स। ये देखिए आप, दिस इज द माउथ ऑफ लैम्प्रे। देखिए इसके माउथ के ऊपर ये इस तरह से एक आप कह लो एक छलनी सी है या एक प्लेट है, और इस प्लेट के ऊपर देखिए ये इसके ये टीथ है। और इसी तरह से जब ये जुबान है इसकी वो भी जब ये निकालती है तो उसके ऊपर भी बहुत ढेर सारे टीथ होते हैं। तो ये सकस भी होते हैं, ये सकर्स हैं बेसिकली, और माउथ के ऊपर टंग के ऊपर टीथ होते हैं जो सकस की मदद से अटैच हो जाते हैं बॉडी के साथ, और उसके बाद जो जो उनकी टंग है उसकी मदद से ये स्किन को चीरते हैं और फिर अंदर से जो है वो ब्लड सक करते हैं। ठीक है, ये आपके पास लैम्प्रे है। उसके बाद इंसेक्ट्स आ जाते हैं आपके पास, और इंसेक्ट मॉस्किटोज हैं, सीधा से बटरफ्लाइज हैं। इनके जो है वो पियर्सिंग, इनके पास स्टाइलेट्स होते हैं बहुत, मतलब इनके जो पार्ट्स होते हैं माउथ पर थोड़े कॉम्प्लेक्स से होते हैं, उससे ये पहले स्किन को रपच्चर करते हैं, फिर एक लंबा सा इंजेक्शन टाइप जो होती है इनका टंग वो बॉडी के अंदर डालते हैं, और उससे जो है फिर ये ब्लड को ऑब्टेन करते हैं। सीधा से एफिड्स हैं, ये प्लांट इन ये जो पौधे होते हैं उनके ऊपर से ये लेते हैं, और इसी तरह से मॉथ्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, ये प्लांट फ्लूइड ऑब्टेन करते हैं, और जो मॉस्किटोज हैं वो उनके पास स्टाइलेट्स होते हैं, ये ब्लड सक करते हैं। इसी तरह से फिर पोलन एंड नेक्टर फीडिंग बर्ड्स होते हैं, जैसे हमिंग बर्ड्स हैं, लेकिन इनकी बिल्स जो होती हैं वो काफी लॉन्ग होती है, मतलब सो दे कैन इंसर्ट इट इनटू द फ्लावर, तो वहां से ये नेक्टर जो होता है जो फूलों का रस होता है उसको सक करते हैं। तो इनकी जो बिल्स होती हैं, चोंचें होती हैं, वो भी काफी स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो टंग होती है वो ब्रश लाइक टिप होता है उनका या होलो होती है, और उससे भी जो है वो मतलब नेक्टर वगैरह होता है उसको ले लेते हैं, या जैसे वो फ्लावर्स के ऊपर होता है तो ब्रश लाइक टिप होगा तो उनकी तो उसके साथ चिपक जाएंगी बहुत सारी चीजें, इस तरह से ये ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह से कुछ जो नेक्टर फीडिंग होते हैं उनके बिल्स उनकी शॉर्ट होती हैं, लेकिन वो फ्लावर की बेस में एक सुराख कर लेते हैं और फिर अपनी टंग्स को यूज करते हैं नेक्टर ऑब्टेनिंग के लिए। इसमें भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ की लॉन्ग बिल्स होती हैं, कुछ के पास ब्रश लाइक मतलब टिप और हॉलो टिप वाली टंग होती है, और कुछ के पास जो है वो शॉर्ट बिल्स होती हैं। लेकिन वो फाइनली जो कुछ मैमल्स हैं जो कि फ्लूइड फीडर्स होते हैं, और इसमें जो ओनली मैमल है डैट इज वेम्पायर बैट्स और डेस्मोडस, जिनको आप क्या कहते हो वेम्पायर्स कहते हो, जिनके टीथ होते हैं और वो पिंच करते हैं स्किन को और उसमें से ब्लड सक करते हैं। तो वेम्पायर बैट्स जो है वो ट्रॉपिकल साउथ और सेंट्रल अमेरिका में प्रेजेंट होती हैं। ये बैट्स बर्ड्स कैटल हॉर्सेस किसी पे भी अटैक कर सकती हैं। इनके पास शार्प नाइफ फ्रंट टीथ होते हैं टू पियर्स द सरफेस ब्लड वेसल्स, और उसमें से जब ब्लड निकल रहा होता है ऊज आउट करता है, ऊज करता है तब खून रिसना होता है, तो वो उसको जो है वो सक कर लेते हैं। इसी तरह से कुछ जो होती हैं बैट्स वो नेक्टर फीडिंग बैट्स होती हैं, मतलब वो खून नहीं चूसती हैं बल्कि वो फूलों का रस जो है वो यूज करती हैं। तो उनके पास लंबी सी टंग होती है टू एक्सट्रैक्ट द नेक्टर, और इनकी जो है टंग इनकी लॉन्ग होती है जबकि उनके पास तो माउथ पार्ट्स है ना, ठीक है, और इनके पास इनकी जो डेंटेशन होती है मतलब जो दांत होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, वो इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, बल्कि इनके पास इनकी जुबान काफी लंबी होती है। अच्छा, उसके बाद हनी पॉसम होता है एक, जो कि इसके पास भी लॉन्ग ब्रश टिप टंग होती है और रिड्यूस डेंटेशन होती है। अच्छा, ये एक कोई रैट टाइप सॉरी एक होता है जानवर होता है जो कि हनी हनी होता है ना, जो हनी बीज होती हैं उनका जो भी वो जी होता मैम, है वहां से ये मतलब अपनी टंग के थ्रू जो है वो हनी ऑब्टेन करता है, ठीक है, तो हनी बीज का छत्ता होता है वहां पे ये चला जाता है, और उनके छत्ते में से ये जो है वो अपनी टंग के जरिए लॉन्ग एंड ब्रश टिप टंग के जरिए ये वहां से हनी के ऊपर फीड करता है। तो चलें जी, आज ये आपका हो गया